वालेकुम सलाम, कैसी हो? खैरियत हो? ठीक ठाक हो? मज़े में हो? आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। बैकग्राउंड चेंज है आज। बिल्कुल आज बैकग्राउंड चेंज है। चलें लाइक कर दें। हम कहाँ हैं कमेंट में बता दो। हम कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? हम ज़मीन पर हैं। मैं अपनी अम्मी के घर पर है। चलें जी भाई, हम अम्मी के घर आए हैं। ज़िंदगी में क्या हो रहा है आज के लोग? क्या है हमारी ज़िंदगी? बड़े मसले चल रहे हैं, मसले मसाइल। वैसे मसले मसाइल सीरियस वाले नहीं हैं, छोटे मोटे हैं। जैसे कि मेरे एग्जाम्स है, एग्जाम्स के मसले कैसे हैं मेरे? टेंशन भी तो है। एग्जाम फ़ौरन बाद वाइवा है, उसके फ़ौरन बाद एक और वाइवा, उसके फ़ौरन बाद हमें एग्जाम का नहीं पता। जीएसटी और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके एग्जाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है? आप क्यों नहीं है बेटा? आपको होना चाहिए। नहीं है इंटरेस्ट। चले जी, तो स्टॉप करो, रात के हो गए 10। थोड़ा मैं अभी खाना पीना करें, लेके आओ मेरी खाता तवाजा करो। आप मेरी करें, मेरी बहनें मेरी करती हैं। क्यों आप मेरी करें खाता तवाजा? सो अब हम लोग अम्मी के घर से वापस जा रहे हैं और अब हम देखेंगे बाहर जाके हम कहाँ बैठ रहे हैं आउटिंग के लिए। तब तक के लिए एक चैनल प्रमोशन है, आप वो वीडियो देखें। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही थी कि व्लॉग जो है मैं डे लाइट या फिर इवनिंग लाइट में बनाऊं ताकि अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन फिर भी जो है आज रात हो गई हमें निकलते निकलते। बट होपफुली आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करके निकलते हैं, हमने जाना कहीं और होता है और हम आ जाते हैं कहीं और पे। भी कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ ही, हमने जाना था कहीं और रेस्टोरेंट में और देख सकते हैं हम आ गए हैं किसी और रेस्टोरेंट में। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपको मैं ना शॉर्ट रिव्यू देती हूँ इस रेस्टोरेंट का। ओके, होपफुली आपको मज़ा आएगा। चैनल देख लिया व्लॉग्स एंड चिल, ये जो है मेरी न्यू फ्रेंड है यूट्यूब पे। आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और इनके चैनल की थीम भी यही है, डेली लाइफ व्लॉग्स। वो दिन भर में क्या करती हैं क्या नहीं करती, वो पूरे दिन में जो भी करते हैं जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, ये वाली आवाज़ जिस तरह से हम दिखा रहे हैं पूरे दिन की अपने रूटीन, इसी तरह से वो भी अपने चैनल पर डेली लाइफ व्लॉग्स बनाती हैं। फैमिली व्लॉग्स होते हैं, आप ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, फूड चैलेंजेस व्लॉग्स होते हैं, आप उनका चैनल ऑब्वियसली जरूर एंजॉय करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और इश्क आखरी अब YouTube पे पेमेंट निकाल लेते हैं। पेमेंट आई, चलें पेमेंट निकाली जिंदगी है। चल एटीएम में कैमरा लगा हुआ है, आज बालों में इंतजार कर रहे हैं तुम। चलो आज हम एक नया रेस्टोरेंट ट्राई कर रहे हैं जिसका नाम है रूपा माड़ी रेस्टोरेंट। रूपा माड़ी की आई डोंट नो व्हाट इज इट्स रूपा माड़ी। रूपा माड़ी फैमिली हॉल है ना, फैमिली पोर्शन बोला आपको, बट रूपा माड़ी टी पॉइंट वहाँ है। अरे रूपा माड़ी एक लड़की का नाम है, रूपा। रूपा वाली फिल्म तो मैंने देखी थी, मेला वाली। बाकी माड़ी आई डोंट नो, किसी ने मारा होगा मारवी नहीं, रूपा को किसी ने मारा है। मारवी मारवी जी, तो हम यहाँ पे आ गए, आप लोगों बाद में विजिट करवाते हैं। तो बहुत अच्छी जगह, हम लोग कल लल्ली को लेके आएंगे। मेरे बालों में भी बम फट गया। कल लल्ली को लेके आएंगे, आज तो हम किसी काम से गए थे ना, उससे गए थे हमारी जिंदगी में। हाँ ना, मतलब मेरी जिंदगी वो इतनी कोई सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है। ओ बेटा बस रहने तो, अभी बोलूंगा ना चलान की तरह। हाँ, तो मैं सबमिट करने हैं तो उसका मेरा चलान नहीं मिल रहा। हाँ जी, तो रात को रेस्टोरेंट गए थे, रेस्टोरेंट में मुझे कुछ खाना नहीं था और मियाँ जी कह रहे थे कि ज़बरदस्ती खाओ। अरे भाई, जब मैं अम्मी के घर से खा के आई हूँ तो मैं कैसे खा सकती हूँ, फजूल में मैं मंगवाऊँ। मैंने कहा चलो मंगवा लो, वो मैं पार्सल करवा लूँगी, मेरे लिए पार्सल कर लो, आप यहाँ बैठ के खा लो। लेकिन नहीं, साहब की ज़िद थी कि वहीं पर मेरे साथ खाओ, कुछ ना कुछ खाओ, मैं अकेला नहीं खाऊँगा। ऐसे हम बातें कर करके लड़ झगड़ के वहाँ से उठ के घर आ गए, और घर आके जो मंज़र था बिल्कुल खामोशी थी कमरे में, आप लोगों ने बखूबी देखा। ठीक है, उसके बाद अभी अगला दिन आ गया है और मैंने अपना चालान दो बार ढूंढा है, घर जाके भी ढूंढा है। बहुत ज़रूरी चालान है ये, मेरा बैग है डॉक्यूमेंट्स का पूरा, इसको मैंने एक एक जगह से इसका एक एक अंग मैंने देख लिया है, लेकिन मेरा चालान मिल नहीं रहा है। अब लास्ट ऑप्शन है बैंक, वहाँ से जाके निकलवाना है, अगर उन्होंने दे दिया तो उनका एहसान। और ये चालान पिछले साल के मार्च में सबमिट हुए थे, ठीक है, और अब उनकी ज़रूरत है और वो मुझे कंफर्म है कि
जिस बैग में वो था ना, वो बैग हमने ही अपने हाथों से, शादी की जब हुई थी पूरे घर की सफाइयाँ हुई थी तो अपने हाथों से ही उसको पैक करके उन चीज़ों में रख दिया था जो चीज़ें बाहर फेंकनी थी, और वो बैग भी फेंक चुका है तो ऑब्वियसली मेरा चालान भी चला गया, क्योंकि पूरा घर मैंने मम्मी का वहाँ जाके देख लिया, मैंने अपना बैग देख लिया। अब यहाँ इस कमरे में ऑब्वियसली सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का एक ये बैग था, यहाँ न्यू हूँ मैं और फर्नीचर भी सारा न्यू है इनमें, इधर उधर कोनों में तो वो होगा नहीं। डायरेक्ट मैं बैग लाई थी पैक करके, सारी अलमारी मैंने खुद सेट की। अम्मी के घर में यार मैंने अपना बैग देख लिया, अब यहाँ इस कमरे में ऑब्वियसली सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का एक ये बैग था, यहाँ न्यू हूँ मैं और फर्नीचर भी सारा न्यू है इनमें, इधर उधर कोनों में तो वो होगा नहीं। डायरेक्ट मैं बैग लाई थी पैक करके, सारी अलमारी मैंने खुद सेट की। अम्मी के घर में एक एक बुक के अंदर मैंने देख लिया लेकिन वहाँ नहीं मिला। बस दुआ करें कि बैंक वाले मुझे दे दें, ज़रूरी है बहुत। मैं अपने चालान या अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, मेरे पप्पा ने सिखाया एक एक चीज़ बहुत संभाल के रखो, अपने डॉक्यूमेंट्स के, अकेडमिक डॉक्यूमेंट हो या फिर आपके अभी तो मेरी मेडिकल फाइल के डॉक्यूमेंट्स भी चल रहे हैं, वो भी अम्मी ने कहा संभाल के रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो पप्पा ने सिखाया उसकी कॉपी करवा के रखो, उसे संभाल के रखो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने उस चालान की कॉपी भी नहीं करवाई हुई और मैंने उसको संभाल के भी नहीं रखा, मैंने उसको बैग में ही रहने दिया, मैंने उसको अपनी फाइल में भी नहीं रखा, और वही चालान मुझे चाहिए। मतलब बाकी मेरे कॉलेज के ज़माने के, स्कूल के ज़माने के, 8th क्लास में जब मैं थी तब के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखे हुए हैं ऐसे सेफ, जैसे कि उनको मैंने फ्रेम करके दीवार पर लगाना हो, और जो ज़रूरी चीज़ है वो मैंने रखी ही नहीं सामान के। खैर मंडे को पेपर है तो लाइट गई तो ये हुआ, और यहाँ से अगर ये ऑन हो जाए सोलर पे तो इसका एहसान ऑन हो गया। मंडे को पेपर है, पेपर के बाद बैंक जाना। उठते ही मैं चालान ढूंढने में लग गई थी तो ये सारा बेड फैला हुआ है, मैं इसको समेटूं। मियाँ जी भी आज गए हुए हैं, टाइम क्या हो रहा है, पापा अब वो अपने अबू के साथ गए हैं मार्केट, संडे है आज, और अब वो आएंगे तो हमारा खाना होगा दोपहर का। उससे पहले मैं ये कमरा साफ कर लूं, और ये प्रेस करने वाले कपड़े रखे हुए, ये साहब अभी अभी आए हैं। चलें जी, पेट वगैरह पूरा हमने समेट लिया है, बैग यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि अभी खाना खाने के बाद पढ़ना है, कल पेपर है, बाकी कपड़े भी प्रेस होंगे पढ़ने के बाद जब टाइम मिलेगा तब। अब मियाँ जी का इंतज़ार हो रहा है, वो आ जाए तो फिर अली नो अभी ये खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। सारी चीज़ जो है ना ऊपर रखनी पड़ती हैं। ये बिल्ला है, ये बिल्ला बहुत शरारती बिल्ला है। अली चाचू कहाँ है, कहाँ है? कह रहा है चाचू बाथरूम में ए कर रहे, पोटी को ए कहता है ये। चाचू नहीं है बाथरूम में, बाथरूम खाली है, चाचू नहीं है बाथरूम में, आओ दिखाओ, ये देखो देखो, जाओ देखो चाचू नहीं है। सिंधी में बोलूं चाचू कौन है, चाचू कौन है? दरवाजा बंद कर रहा है वापस। चाचू कौन है? नहीं चाचू ये नहीं कर रहे। अच्छा अम्मी कहाँ है? अम्मी ऑफिस, वॉशरूम आ रहा है, पिछी आ रही है, पिछी आ रही है, चलो चलो कम बोर्ड पे चलो, जाओ बुआ से बोलो बुआ कराएंगी। चलो इतना बड़ा हुआ तो हुआ, पिछी का बताने लगा है। धूप में थकार के आ गए हैं। हाँ जी, तो अब बज गए हैं 5, ये घड़ी 5 मिनट पीछे भी है तो मतलब 5:15 अभी हो रहे हैं। मैं ये अपना पढ़ रही थी जिसको मैं अब कर देती हूँ क्लोज, और क्योंकि अब हो गया है खाना पकाने का टाइम शाम का। आज का मेन्यू है चिकन कोरमा, मेरी और मियाँ जी के सरबराही में वो इंशाल्लाह बन जाएगा। बाकी मैंने हम साथ साथ मूवी भी लगाई थी, एक तो ये मूवी पूरी आती ही नहीं है इस पे, एक तो ये कपड़े बार बार मुझे देख रहे हैं। चलो जी, अली का आधा सामान होता है यहाँ तो। जूड़ा वूड़ा मैंने बांध लिया है किचन के लिए क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा होगी, तो अब हम चलते हैं किचन में। ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सालन चढ़ा दिया।